नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोगों के पास में डायरेक्ट मिलती रहती। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि औरत लोगों की स्तन जो है वो ढीला क्यों हो जाती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि जे औरतों की स्तन ढीला हो जाए तो उसके लिए सुडौल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले 12 वाला नारियल जो है वो खिलाना चाहिए, रात के समय में कम से कम आधा टुकड़ा खिलाना चाहिए, उससे स्तन जो है वो टाइट और सुंदर और अच्छा बना रहता है। और जो लोग मांसाहारी हैं उनको अंडा जो है वो एक दो अंडा रोज खिलाइए रात के समय में, उसमें काला नमक थोड़ा सा डाल दीजिएगा, उसमें कुछ मत डालिएगा, बस एक हो दो हो तीन भी हो जाए तो कोई बात नहीं, जो जितना मने यानी कि पेट खराब ना हो, एक दो खिलाइएगा तो वो अच्छा रहेगा। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, दूध जो है वो खिलाइएगा तो पूरा टाइट और स्ट्रांग हो जाएगा। चौथा नंबर है कि आप केला भी खिला सकते हैं, वो हजारी केला खिलाएंगे तो और अच्छा है। ये चार जो चीज है उसमें से बारी बारी से खिलाइए तो, या एक साथ आप खिलाइए तो स्तन जो है वो टाइट जो ढीला होगा वो खूब सुंदर और सुडौल बन जाएगा, लेकिन काम काज जो है उतना औरत लोगों को नहीं करना पड़ेगा, तब ये जो चीज है वो सेहत भी बनेगा और टाइट भी और खूब अच्छी तरह आप लोग के मन माफित हो जाएगा। दोस्तों बहुत सभी लड़कियां या औरतें कमेंट करती है कि सर ये बताइए कि ये सब बीमारी जो है वो क्यों होती है। दोस्तों ये बीमारी जो है वो कोई बीमारी नहीं है, खान पान की कमी के कारण ये सब जो है वो बीमारी हो जाती है। अगर आप इसमें से सहमत नहीं है तो आप दाल खाइए, मूंग की दाल जो है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन मिलती है स्तन की टाइट जो है वो करने के लिए। अगर आप लोगों को ये सब बीमारी है तो ये जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हम बताएंगे कि आंतों की रेशा जो है वो मर जाने के से उसको कौन कौन सी बीमारी शरीर में उत्पन्न होती है। दोस्तों आंतों की जो रेशा है वो जब मर जाती है तो क्या होता है कि खाना नहीं पचता है, भूख कम लगता है, कभी भूख ज्यादा लगता है, और जब भी आप खाना खाएंगे तो पेट में गैस बनने लगता है। तो उसके लिए आप लोगों को एक काम जरूर करना चाहिए, जब भी सीजन आए आम का तो आम जरूर खाइएगा, रेशा वाला आम, रेशा अलग वाला आम जो है आप अगर खाएंगे तो आपको आंतों की कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आंतों की रेशा जब मर जाता है तो ज्यादा भूख भी लगता है, कभी कम लगता है भूख, कभी लगेगा ही नहीं, और कभी कभी कपार चक्कर देने लगेगा, कभी पेट में गैस बनने लगेगा, बदहजमी हो जाएगी, पेट टाइट हो जाएगा, कोई काम करने को दिल नहीं करेगा। तो अगर आप एक आम के जरिए आंतों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो जब भी सीजन आए आम का तो आम चूस चूस करके, रेशा वाला आम, ये नहीं कि एक आम होता है उसमें सिर्फ गुद्दा होता है वो वाला आम खाइएगा तो आपको बिल्कुल नहीं फायदा करेगा। और आपको आम को खाना है तो आम को पहले सबसे पहले 2-3 घंटा पानी में जो है वो रख देना है, और पानी में रखने के बाद में आपको क्या करना है कि सुबह के समय में निकाल लेना है, और ज्यादा आम भी नहीं खाना है। खाना खाने से पहले खाइएगा तो आधा टुकड़ा खाइएगा, उसके बाद में रोटी आम खा सकते हैं, रोटी आम यानी खाना के साथ में खाएंगे तो और अच्छा है। जो लोग आम नहीं खाते हैं उन्हीं लोगों की आंतों की जो रेशा है वो मर जाता है, और मरने के कारण जो है वो जैंडिस पकड़ लेता है, और जैंडिस पकड़ लेता है तो वही सब बीमारी जो है हाथ पांव में जलन हो जाती है, उसको परसूता कहा जाता है। तो अगर आप लोगों को परसूता हो गई है तो आपको क्या करना है कि धनिया लेना है 100 ग्राम, सौंफ लेना है 100 ग्राम, और उसमें लेना है मिश्री 100 ग्राम, और इन तीनों को आपको कूट पीस करके बराबर कर लेना है, चूर्ण बना लेना है, और सुबह शाम सेवन करेंगे तो आपके हाथ पांव की जलन और पेट में जितना भी गर्मी होती होगी तो
ये सब मिट जाएगा। ये सब चीजें जो है वो गर्मियों के मौसम में हो जाती है। और दोस्तों कपार चक्कर देता होगा, ये भी मिट जाएगा। पेट में गैस बदहजमी होती होगी, भूख नहीं लगता होगा, तो ये सबसे उत्तम दवाई है दोस्तों। इसको खाने से ये होता है कि पूरे शरीर ठंडा रहता है। गर्मी के मौसम में आप लोग एक बार बना करके जरूर खाइएगा। इसको खाने से सुंदर स्वस्थ शरीर हो जाती है। लेकिन आप लोगों के शरीर में अगर ज्यादा ठंडी महसूस होती हो तो आपके लिए ये दवा नहीं है। आप लोग गर्मी से अगर मरते हैं, जैसे कि ज्यादा गर्मी शरीर में उत्पन्न हो जाती है, तो उसके लिए आप लोगों के ये उत्तम दवा है। जैसे कि सुबह हाथ मुंह धो लीजिए, लेकिन बाथरूम से आइए, उसके बाद में आधा चम्मच जो है वो खा लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए। एक बार मैं और दवा बता देता हूँ। सौंफ लेना है 100 ग्राम, 100 ग्राम लेना है धनिया जो मसाला में पीसा जाता है, और 100 ग्राम मिश्री, ये तीनों को कूट पीस करके चूर्ण बना लेना है, और खाली पेट जो है वो सुबह के समय में खाना है। और आपको 1 घंटा के बाद में खाना खाना है। ऐसे अगर आप लोग करते हैं तो आपको पेट की सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। गर्मी के मौसम में अक्सर डॉक्टर लोग भी खाते हैं ये सब चीज जो है। और पेट में गर्मी, बदहजमी, एसिडिटी क्यों होता है, इसके भी कारण है दोस्तों। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में कोई काम धंधा नहीं करते हैं, इतना तक कि टहलते नहीं है। जो लोग लैपटॉप से काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, या कोई भी बैठ करके काम करते हैं, उन लोगों को सुबह में चाहिए कि 1-2 घंटा जरूर घूमना फिरना चाहिए। जो लोग घूमते फिरते नहीं है उन्हीं लोगों को पेट भी निकल जाता है। एसिडिटी, गैस, बदहजमी, ये सब बीमारियां जो है, भूख नहीं लगना, कपार दर्द, माथा दर्द, आंख से आगे निकलना, ये सब बीमारी लग जाती है। तो इसके लिए ये जो चूर्ण है आपको उत्तम है। और आपको भूख नहीं लगती है ज्यादा, तो खाना खाने के बाद में एक चूर्ण और बता देता हूं। 100 ग्राम लेना है हरे, 100 ग्राम बहेरा, 100 ग्राम आंवला और 50 ग्राम काला नमक, इन चारों को कूट पीस करके एक शीशी में रख देना है। ये हो गया त्रिफाला। त्रिफाला अगर आप लोग खाते हैं खाना खाने के बाद में, तो आपको भूख नहीं लगता होगा, वो भी मिट जाएगा। आप लोग इतना खाना खाने लगेंगे कि आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कितना दम है। एक बार और दवा का नाम बता देता हूँ। 100 ग्राम हरे, 100 ग्राम बहेरा, 100 ग्राम आंवला और 50 ग्राम काला नमक, इसको चूर्ण बना लेना है कूट पीस करके। और आपको खाना खाने के बाद में खाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भूख नहीं लगता होगा, कपार दर्द, माथा दर्द, और आपके शरीर में इतना फुर्ती आएगी कि देश, दुनिया और पूरा वर्ल्ड भर में ऐसा दवाई कोई नहीं है। किताब में लिखी गई है कि हमारे भारतीय जड़ी बूटी में इतना शक्ति है कि रोग तो रोग है, रोग के बाप को जड़ को काट कर फेंक सकता है। तो दोस्तों इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेगी। मैं माता दुर्गा जी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर दम हर वक्त आप लोग खुशहाल रहें। किसी भी काम में हैं तो उस समय, और एक बात है कि लोग, बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि लकवे फालिस की बीमारी जो है वो क्यों हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा ऐसा बीमारी है, जैसे कि कपार चक्कर आना, ये सब बीमारी, तो ये सब जो है वो गर्मी के कारण होती है। ज्यादा गर्मी महसूस होती है तो समझिए कि यही सब बीमारी होती है। तो आप लोगों को पेट में गैस क्यों बनने लगता है, बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि सुबह में जगते हैं और काम काज में लग जाते हैं, वो लेटरिन बाथरूम पेशाब पर ध्यान नहीं देते हैं। जिन लोगों को लेटरिन लगी है, पेशाब लगी है, और वो काम करते हैं कोई भी काम, और लेटरिन बाथरूम नहीं जाते हैं, उस समय जो है वो लकवे की फालिस की बीमारी होने की संभावना बना रहता है। लकवे फालिस होने की संभावना क्यों बना रहता है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि भूख नहीं भी लगा रहता है तो खाना खाना पसंद करते हैं, कहीं जाना है या आना है। देखिए कभी भी खाना खाना है कब आ, तो जब भी भूख लगे तभी खाना चाहिए। पेट जो है वो आगमन देता है जरूर, एक बार बोलता है तो समझिए कि भूख लगा है। भूख लगे तभी खाना चाहिए। अगर काम काज आप लोगों के पास में नहीं है तो हफ्ता में खिचड़ी 3-4 बार जरूर खाइएगा। हफ्ता में 3-4 बार अगर खिचड़ी खाते हैं तो आपको आंतों की रेशा जो है वो बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। आंतों को जो है खाना पकाने
पचाने में जो है वो बहुत कम समय लगेगा और अच्छा से खाना पच जाएगा, मल मूत्र जो है वो अच्छा बनेगा, सेहत भी अच्छा रहेगा। खिचड़ी बनाइएगा तब भी अच्छा है, ये नहीं कि उसमें नमक थोड़ा सा डाल दिए और उसमें हल्दी नहीं डालिए, बगैर हल्दी का खिचड़ी नहीं होता है। जो लोग खिचड़ी खाते हैं उनकी पेट की कंडीशन जो है वो बिल्कुल सुंदर और अच्छा हो जाता है। कम से कम हफ्ता में गर्मियों के मौसम में 4 दिन खिचड़ी जरूर खाना चाहिए। जो लोग खिचड़ी नहीं खाते हैं उन्हीं लोगों की कंडीशन पेट की खराब हो जाती है। ये नहीं कि दाल रहेगा तभी बनाएंगे खिचड़ी, खिचड़ी में क्या लगाए, थोड़ा सा नमक डालिए, हल्दी डालिए, सब दाल का जो बाप है वो हल्दी है। हल्दी अगर आप डालते हैं तो रीढ़ की दर्द, पीठ की दर्द, एक्जिमा फेक्जिमा, ये सब बीमारी जो है वो नष्ट हो जाती है। दाद खाज खुजली एक्जिमा जैसे भयंकर से भयंकर बीमारी होती रहती है दोस्तों। और हम बात करेंगे कि बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि एक्जिमा की बीमारी क्यों होती है, दाद खाज खुजली की बीमारी क्यों होती है। दोस्तों बहुत सभी लोगों की खून एक नहीं है, क्या करते हैं कि पुठिया मछली ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो एक ऐसी मछली है पुठिया जिनके खून जो है वो खराब होता है। क्या है कि एक बार दो बार खाइए अगर आपको हाथ पांव में खुजली होने लगी तो समझिए कि खून जो है वो खराब है, थोड़ा वो पुठिया मछली बिल्कुल मत खाइए, उसमें इतना गर्मी पाया जाता है। दूसरा मछली जो है वो कितना होगा आप खा सकते हैं। बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि शुगर की बीमारी क्यों होती है। शुगर जो है वो शुगर की बीमारी होती है इससे कि जो लोग मछली नहीं खाते हैं बचपन से, 5-7 साल के बाद से मछली जरूर खाना शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं कि मछली ना खाए, मांसाहारी। अब बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि मांस खाना उचित है कि नहीं। देखिए दोस्तों, मांस मछली जो खाना उचित है इसलिए कि शरीर जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मछली खाने से ये होता है कि शुगर की बीमारी कभी नहीं होगी। बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि शुगर अगर मिटा देना है तो हम लोग क्या करें। दोस्तों अगर आप लोगों को शुगर जड़ से मिटा देना है तो आपको केवाई मछली जो है वो जरूर खाना चाहिए। केवाई मछली अगर आप लोग 6 महीना लगातार खाते हैं तो आपको शुगर की बीमारी जो है वो बिल्कुल मिट जाएगी। शुगर की बीमारी और दाद खाज खुजली वाले लोगों के लिए भी उत्तम है। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि दाद खाज खुजली हो जाती है उनके लिए दोस्तों, बहुत सभी लोग पूछते हैं कि दवा हम लोग क्या करें। दोस्तों अगर आप लोगों को दाद खाज खुजली एक्जिमा की भयंकर से भयंकर बीमारी है तो आप लोगों को क्या करना है कि 100 ग्राम नारियल का तेल लेना है, 100 से 200 ग्राम, उसमें 10 बोली कपूर जो है वो कूट पीस करके बरोबर कर लेना है, और बरोबर करने के बाद में उसमें मिक्स करके 1-2 घंटा धूप में रख दीजिए, और उसके बाद में शीशी के बर्तन में घर में रख दीजिए, और घर में रखने के बाद में आपको खाना खा करके सुबह शाम हाथ में लगाना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपकी दाद खाज खुजली एक्जिमा से भयंकर भयंकर बीमारी जो है वो मिट जाएगी। ये सब बीमारी जो है ज्यादा मछली खाने से होता है, दही खाने से होता है, कांदा जैसे ये सब बीमारी जो है हो जाती है। तो आपको ये जब दवा लगाना है तो आपको कांदा कोहरा बैगन जो है ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल कम खाना पड़ेगा, यानी कि नहीं खाना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा करेंगे कि खाना खाएंगे दही मछली कांदा कोहरा बैगन तो ये सब बीमारी जो है वो बिल्कुल नहीं मिटेगी। ये सब बीमारी जो होती है वो खान पान के जरिए होती है। कोई भी धरती का बीमारी है इस हमारे शरीर में उत्पन्न जब भी होता है तो ये सब खान पान के जरिए होता है। अगर आप लोग खान पान पर ध्यान देंगे तो ये सब कोई भी बीमारी जो है आपके शरीर में उत्पन्न कभी नहीं होगी। और आपको आंतों की रेशा अच्छा कर देना है, पेट की सफाई पूरी रखनी है, गंदगी पूरी बाहर निकालना है हर दम हर वक्त, तो आपको कभी भी स्वस्थ अच्छा जो है वो नहीं मानना पड़ेगा। और आप वो रात के समय में दही जो है खट्टा दही, अगर खट्टा दही आप लोग रोज खाते हैं रात के समय में दही रोटी, तो समझिए कि आपको आंतों जो है इतना मजबूत हो जाएगी कि आप लोग कोई भी खाना खाएंगे तो आसानी से पचेगा और देह जो है शरीर वो बुलंद हो जाएगी। कोई भी शराब नशा वशा जो है वो नहीं करना है, क्योंकि नशा करने से स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब नशा से अच्छा चीज है दही, आप खाइए रात के समय में खट्टा दही जो है वो खाएंगे तो आपको शरीर जो है बुलंद हो जाएगी और जितना भी आंतों की रेशा है वो नायाब बन जाएगा आपस। किया दही खाइए रात के समय में या आम खाइए, लेकिन 100% यानी 100% विश्वास है कि आम का जो है आम खाएंगे चूस चूस करके जो आंतों को मजबूत बनाता है उस आम को, यानी कि रेशा वाला आम खाएंगे तभी आंतों जो है वो रेशा अच्छा बन जाएगा और खाना पचाने में मदद करेगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी से मैं हर दम हर वक्त रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें वहाँ खुशहाल रहें। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें वहाँ मस्त रहें, बने रहें।